देखा भयंकर परी, मेरे लिए द्वार खुल रहा है। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ से आजाद होकर हूँगी। बॉस वाह, अब देखना सब बच्चों को ये जोकर दिखाई देंगे। अरे अरे जोकर जोकर बहन, ये सब बच्चे अपने ऊपर हंस क्यों रहे हैं? हाँ, और हमें जोकर जोकर कह कर क्यों बुला रहे हैं? मेहर, जरूर कुछ गड़बड़ है। चल हम लोग जाके अपना मुंह धो के आते, हो सकते हैं वाकई में कुछ लगाओ और हमें दिखाई ना दे रहे हैं। हाँ चल चल चल। मेहर, अभी तो हमने रगड़ रगड़ के मुंह धोया था, तो सब कुछ तो ठीक ही हो गया होगा, है ना? हाँ। क्या बॉस, आपका मैजिक भी आपकी तरह 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाते। ए, मैं जो भी काम करता हूँ ना, उससे ज्यादा खींचता नहीं हूँ। मोंटू का ये स्टाइल है हर बार नई शैतानी करना, इसलिए मैं इस बार अपने जादू से नई शैतानी करूंगा, समझा? अब चलो। मेहर जा, तू बैटिंग कर और मैं बॉलिंग करूँ, ठीक है? जा। हेलो मनव। देख मोंटू, आज हम दोनों के साथ कुछ मत करना प्लीज। अरे यार, तू डर क्यों रहा है? मैंने इन छुट्टियों में अपनी शैतानियों को भी छुट्टियों पे भेज दिया है। मैं भी मजे करना चाहता हूँ, मैं भी मजे से खेल खेलना चाहता हूँ। चल 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 के क्रिकेट खेलते, चल। नहीं, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ क्रिकेट। हाँ, तेरे साथ तो क्रिकेट बिल्कुल नहीं। मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलना है तो तू एक काम करते, रोहित के साथ क्रिकेट खेल लो, मैं पेविलियन में बैठ के मैच देख लूंगा। अरे मानो, इस ग्राउंड में कहाँ खेलेंगे, ये तो बहुत छोटा ग्राउंड है। चल चल के बड़े ग्राउंड में खेलते हैं। ठीक है चलो। कॉइन उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा मैं, ये मैच खेलने से पहले ही डर गया। ए पिद्दी, कॉइन उड़ाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुझे बैटिंग दी। जा जा, तू भी क्या याद करेगा। रोहित बॉलिंग कर, और ये गुल्लक। रोहित का बॉल देखे सिर्फ मानो को एक बड़ा सा गोल पत्थर। बॉल की जगह पत्थर कैसे आ रहे हैं मेरी तरफ? शुक्र है बाल भाई, भयंकर भाई यही है। बेवकूफ परियों, तुमने ये द्वार खोलकर कितना बड़ा अनर्थ किया है तुम्हें पता भी नहीं है? भयंकर परी, अनर्थ तो तब होता अगर तुम यहाँ से आजाद हो गई होती। अरे आजाद ही तो किया है तुमने अपने विनाश को। वाह भयंकर परी वाह, आज तुम खुद कह दो
तो हमारे विनाश की चिंता हो रही है तुम्हें? अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन। तुमसे बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है हमारा भयंकर परी? तुम्हें कैद खाने में बंद देखकर कम से कम हमारे मन का डर तो दूर हो गया। डरना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों ने ये द्वार खोलकर ये तसल्ली कर ली है कि तुम इस कैद खाने में ही बंद हो और हमेशा यही बंद रहोगी। अरे मेरी नहीं सुननी है तो कम से कम नीचे देखो, वहां देखो वहां। ये भयंकर परी हमें उसकी बातों में उलझा रही है, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। आप ठीक कह रही है काल परी, हमें यहां से चलना चाहिए। चल। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने अपने हाथों से बुराई का भाव, बुराई का प्रतीक तो तुम हो भयंकर परी, और हम खुश हैं कि तुम यहां से बाहर नहीं निकल पाई। ये भयंकर परी की कोई नई चाल भी हो सकती है। हाँ बालपरी, सर्वदा कैद खाने के द्वार का ज्यादा देर तक खुला रहना खतरे से खाली नहीं। मेरी बात सुनो, द्वार बंद कर दो। ये तुम्हें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है भयंकर परी। चलिए बाल परी, अब हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। परियों, अरे बाली, बाल परी, मेरी बात सुनो। मानव, बॉल से डरकर पीछे क्यों हट गया? बॉल? नहीं, मैं बॉल से डरकर पीछे नहीं हटा, मैं तो एक बड़े से पत्थर को देख के साइड हो गया। पत्थर? कौन सा पत्थर? कैसा पत्थर? मैंने तो कुछ नहीं देखा। कहाँ है पत्थर? वहाँ। मानव, वो एक बॉल है, पत्थर नहीं। बॉल है, पर वो बड़ा सा पत्थर अभी यहीं तो था। मेरी तरफ आया था। हाँ, शायद चट्टान से मतलब है इसका, रोहित की बॉलिंग, क्योंकि रोहित के बॉलिंग के सामने कोई नहीं टिक सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो सचमुच में बड़ा सा पत्थर था। मानव, तू एक काम कर, तू बैटिंग छोड़कर बॉलिंग कर, रोहित तू बैटिंग करेगा। क्यों मैं? मंजूर है। मानव, तुझे बॉल बॉल ही नजर आ रही है ना, पत्थर नहीं ना? हाँ हाँ, ठीक है मोंटू। चाहे वहां जहां खड़ी है महर। हाँ?
फेंकने लगे आग का गोला मेहर को फिर से बॉल ही। मानव वो एक आग का गोला था, बॉल नहीं। और अगर मैं उसे कैच करती तो मेरे हाथ चल जाते। क्या बोल रही है तुम मेहर? सबने देखा कि वो बॉल ही था, वो देख। अरे नहीं मानव, सचमुच वो बॉल नहीं आग का गोला था। तू सच कह रही है मेहर? हाँ मानव, मैं सच कह रही हूँ। तो गड़बड़ है। बॉल मुझे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, पर तुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया। और मुझे बॉल आग का गोला दिखाई दिया, लेकिन तुझे नहीं। और उससे भी पहले बच्चे हम पे बिना बात के हंस रहे थे। मेहर, वो क्या है ना, रोहित का ना शॉट ही ऐसा होता है, सबको आग का गोला नजर आता है। और तुम्हें वो खेलना नहीं आता है ना, घर पे बैठा करो। भयंकर परी अब हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई है, और इसीलिए हमें सर्वदा कैद खाने के द्वार पे लाख लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो जाकर भी कभी भी बाहर ना आ पाए। लाख लगाने की प्रक्रिया हो चुकी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप सब हमें रानी महल में मिलिए, हमें आप सब से बहुत जरूरी बात करनी है। जी पाल। चाहती थी। हम आप सबसे पृथ्वीलोक के बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। बालपरी, भयंकर परी तो सर्वदा कैद खाने में कैद है, अब आपको किस बात की चिंता है? यही तो चिंता वाली बात है। हम कुछ समझे नहीं नटकट परी। पृथ्वीलोक पे कोई बुरी शक्ति बच्चों पर जादू कर रही है, और सत्य जल के अनुसार वो जादू भयंकर परी के द्वारा हो रहा है। मगर वो तो सर्वदा कैद खाने के अंदर बंद है ना।
इसी बात की तो चिंता है। भयंकर परी तो कैद खाने में कैद है, फिर वो कौन सी बुरी शक्ति है जो बच्चों को परेशान कर रही है, और वो भयंकर परी से किस तरह से जुड़ी है, ये सारी बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ बाल परी, आखिर कौन हो सकता है? बेवकूफ है ये सारी परी, ऐसी सोचती रहेंगी बस। काश कि वो भयंकर परी का जादुई डंड हमारे हाथ आ जाता तरास, तो हम इन परियों को बताते कि परी लोक पे राज करने लायक आखिर है कौन, हम या ये बाल परी। नाराज, कहीं पृथ्वी लोक पे वो जादू कोई भयंकर परी के दंड से तो नहीं कर रहा? कहीं वो दंड तौबा तौबा को तो नहीं मिल गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। नाराज, हमें ये बात बाकी परियों को बतानी चाहिए। तरास परी, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती है? हाँ बाल परी। नहीं, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, इस बार आप सबकी चिंता सचमुच में बहुत ही बड़ी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है। इस बार हमारा दुश्मन सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार कर रहा है। वो जो भी है, मुझसे ज्यादा समय तक छुप नहीं पाएगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके बाद उसको भी वैसी ही सजा मिलेगी जैसी बाकी बुरी शक्तियों को मिली है। और ऐसा करने के लिए बालवीर आपको पृथ्वी लोक पर जाना होगा, और वहां रहते हुए ही उस बुरी शक्ति का पता लगाना होगा। परियो, आप सब भी सतर्क रहें और हर छोटी बातों पर ध्यान रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मैं उस बच्चों को परेशान करने वाली को ढूंढकर उसे उसकी गलती की सजा नहीं दे देता, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। आखिर हजारों सालों बाद आजाद हो ही गई, मिल गया मुझे मेरा संपूर्ण रूप, मेरी शक्ति, मेरा बवंडर मुझे मिल गया। अब देखना परियो, मुझे कैद करने की मैं ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। बहुत प्यार है ना तुम्हें पृथ्वी लोक के बच्चों से, उन्हीं की हिफाजत के लिए कैद किया था ना मुझे, तो ठीक है, मेरी आजादी का जश्न भी वहीं से शुरू होगा। कर लेना उन सब बच्चों को जिस पर तुम्हारी नजर पड़े। जाओ, जाकर हाहाकार मचा, जाओ।